बहुत से मरीज गायनेकोमेस्टिया के हमारे पास आते हैं, मैनबूब से जो सफर कर रहे होते हैं, वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे रिश्तेदार, मेरे फैमिली, मेरे पेरेंट्स, मम्मी पापा मान नहीं रहे मेरी ये सर्जरी कराने की। सो ऐसे में हम क्या करें, और मैं इस प्रॉब्लम से बड़ा परेशान था। सो आइए इस बारे में बात करते हैं आज। मैं डॉक्टर गुप्ता हूं, बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन हूं, एंड टूडे आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू कन्विंस योर फैमिली अबाउट योर गायनेकोमेस्टिया सर्जरी। पेरेंट्स के दिमाग में क्या अप्रिहेंशन होती है कि क्या सर्जरी सेफ है या नहीं, क्या इससे मेरे बच्चे की जिंदगी में फर्क पड़ेगा या नहीं। सो पहली बात हम बात करते हैं कि सर्जरी सेफ है। हम जिस तरह से सर्जरी करते हैं, हॉस्पिटल सेटअप में सर्जरी करते हैं, टॉप ऑफ द लाइन हॉस्पिटल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बैकअप्स हैं, एयर बैग्स हैं सर्जरीज में। सो वी टेक केयर कि किसी की पेशेंट में भी कोई प्रॉब्लम ना हो, 100% सेफ रहे। फिर भी आपके पेरेंट्स में दिमाग में अप्रिहेंशन होगी तो उनको हम कहते हैं आप हमसे मिलवा दीजिए, अगर दिल्ली में नहीं है तो फोन पे बात कराएं, वीडियो कॉल कराएं, और लेट मी एक्सप्लेन टू देम कि ये सर्जरी सेफ है, इसमें कोई दोराय ना रखें, दिमाग में टेंशन ना रखें। दूसरी बात उनके दिमाग में आती है, क्या इससे मेरे बच्चे को तकलीफ होगी, दर्द होगा। तो जैसे आपको पता है हम जिस तरह सर्जरी करते हैं, सामने कोई कट नहीं देते, छोटे से कट से सर्जरी करते हैं साइड के, उस तरीके से जिस तरह से हम करते हैं, क्योंकि टूल्स यूज करते हैं माइक्रो इनवेजर, पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट होती है, कोई पेन नहीं होता, थोड़ा सा टाइटनेस का फीलिंग होता है कंप्रेशन गार्ड करा के, ये उनको बता सकते हैं, उनकी बात करा सकते हैं, हम उनकी कुछ पुराने पेशेंट से भी बात करा सकते हैं, ताकि आपके पेरेंट्स को समझ आ जाए कि ये सर्जरी में रिकवरी में उनके बच्चे की कोई तकलीफ नहीं होगी या मिनिमल। तीसरी बात उनके दिमाग में आती है कि क्या ये कराना जरूरी है। बहुत से लोग कहते हैं यार जी हमारे रिश्तेदारों को भी था, फैमिली फ्रेंड को भी था, उनको तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन मेरा बच्चा पता नहीं क्यों सोच रहा है इस बारे में, ये फैट है, एक्सरसाइज करें, दौड़ लगाएं, कम हो जाएगा। तो उनको हम साइंटिफिकली पढ़ा सकते हैं ये फैट नहीं है, ग्लैंड है। हम उनको फील भी करा सकते हैं, क्योंकि फैट की फीलिंग और ब्रेस्ट टिश्यू की फीलिंग, ग्लैंड की फीलिंग अलग होती है, लेकिन फील इट, फिर भी डाउट रहता है तो अल्ट्रासाउंड कराएं, MRI कराएं, लेकिन उनकी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन दिस इज टू प्रूव देम कि सिर्फ फैट नहीं है, ग्लैंड भी होता है। क्यों कराएं, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं जी इससे मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, इसको क्यों इतना फर्क पड़ रहा है, मेरे बच्चा क्यों इससे परेशान हो रहा है। तो ये हम उनको समझाएंगे कि इसकी वजह से इंसान कॉन्फिडेंस नहीं हो पा रहा, इंसान कंफर्टेबल नहीं है, सेल्फ कॉन्शियस है, टाइट टी शर्ट नहीं पहन पाता, स्विमिंग पे भी टॉयलेट पे जाने में कतराता है बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। तो ये उनको समझाया जाएगा, और मैं वाकई में प्रॉमिस करता हूं उनसे मिलेंगे तो उनको समझाए पाएंगे कि अगर हमने ये सर्जरी कर दी तो एक जो बर्डन आपके बच्चे के दिमाग में है, एक जो चीज उसके दिमाग में है जो उसको अपनी जिंदगी में जो जो अचीव करना चाहता है वो अचीव करने से रोक रही है, ये हम 40 मिनट के प्रोसीजर में अचीव कर पाएंगे, ठीक कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद जिस इंसान को गायनेकोमेस्टिया होता है वो अपने जीवन, अपनी जिंदगी बेझिझक, बेखौफ, विदाउट एन एम्बैरेसमेंट, विदाउट सेल्फ कॉन्शियसनेस, यू नो, कोई भी पर्दे के सामने कपड़े के लेयर्स पहन के टाइट टी शर्ट पहन सकता है, बेयर चेस्ट स्विमिंग पे बीच वाटर में जा सकता है, और इस तरह से हम सर्जरी करते हैं कि सामने कट नहीं आता, साइड में निशान आता है कि किसी को पता नहीं चलता। ये जब हम उनको समझाएंगे, मैं बहुत ज्यादा जानता हूं कि पेरेंट्स जो होते हैं, अपने मम्मी पापा जो होते हैं, वो अपने बच्चों से प्यार करते हैं और वो खुश चाहते हैं। जब उनको ये समझ आ जाएगा कि ये सर्जरी से उनका बच्चा की खुशी लिंक है, जब उनको समझ आ जाएगा कि इस सर्जरी से कराने के बाद बच्चा मोर कॉन्फिडेंट और अपनी जिंदगी में ज्यादा कुछ अचीव कर पाएगा, और जब उनको समझ आ जाएगा कि ये सर्जरी सेफ है, उनका बच्चा हमारे हाथों में सेफ है, मैं प्रॉमिस से कहता हूं, मैं आश्वासन देता हूं, एश्योरेंस देता हूं कि आपके पेरेंट्स मान जाएंगे इस सर्जरी कराने के। अगर इस विषय पे, इस टॉपिक पे, गायनेकोमेस्टिया पे आपके या आपके पेरेंट्स के या आपकी फैमिली के कोई भी डाउट्स हैं, हमसे पूछिए। वी आर देयर टू ऑलवेज गाइड यू। थैंक यू।